वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों आज बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। एग्जाम डेट आ गई पर नहीं बढ़ी वैकेंसी। वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद, इस क्लास में संपूर्ण जानकारी में लेकर आया हूं कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। तो आइए इन तमाम टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन का निशान मिलेगा उसको प्रेस कर लें ताकि आप पल पल की अपडेट से वंचित ना रह सकें। देखिए साथियों, जैसा कि हम एग्ज़ाम डेट पर नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर आपने देख लिया है कि एएलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इसी तरीके से आपका आरपीएफ यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो पहली बात तो स्टूडेंट यहाँ पर कि अभी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाली पोस्ट के लिए अभी एग्ज़ाम डेट कन्फर्म नहीं हो पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन पोस्ट के लिए, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, यानी कहीं कहीं दिखा रहे हैं कि 8 जनवरी से भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो देखिए अभी जो है टेंटेटिव डेट सीट है, अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये जो है रेलवे चाहे तो कल ही इसको चेंज कर सकता है, क्योंकि जब भी आपको ऑफिशियल डेट देखने को मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक यही है कि इस डेट को ही हम यहाँ ऑफिशियल डाटा के तौर पर मान रहे हैं कि ये भी आरआरबी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की जा रही है, क्योंकि ये पहले लिख दिया ना टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर द अबव सीएन इज एस अंडर, यानी कि जो है अभी टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल है ये अभी जो है कन्फर्म शेड्यूल नहीं हो पाया है। रेलवे चाहे तो इसमें भी कुछ सुधार भी कर सकता है एग्ज़ामों को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी विरोध चल रहा है कि बच्चे काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि एक साथ एग्ज़ाम कंटेक्ट कराना बहुत मुश्किल है। तो आइए देखते हैं वैकेंसी इंक्रीज़ होती हैं या फिर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम आरपीएफ में वैकेंसी इंक्रीज़ की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, वैकेंसी इंक्रीज आपकी होंगी 100% आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम है आपका तो अभी करीब जो आपके पास 2 महीने का समय आपको मिल रहा है, 1.5 महीने का समय आपके पास अभी कन्फर्म है। तो देखिए नवंबर तक आपको ऑफिशियल डाटा यानी कि ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बता दिया जाए कि आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होंगी, ये कन्फर्म है होना। अब आप कहेंगे सर ये फेक न्यूज़ है। देखिए फेक न्यूज़ नहीं है, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन रेलवे से मिलती है वो सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, क्योंकि काफ़ी इम्प्लॉय जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, आरआरबी एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं और रेलवे प्रोटेक्शन में कई सारे हमारे रिलेशन में टीचर्स और हमारे कई सारे रिश्तेदार हैं जो कि इसमें जॉब कर रहे हैं, तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे कॉलिंग के द्वारा वो मैं जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो वैकेंसी इंक्रीज, लेकिन कब इंक्रीज़ होगी तो ये तो देखिए मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि वैकेंसी कब इंक्रीज़ होगी। ये तो जो है रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको ही पता है कि वैकेंसी कब इंक्रीज़ होंगी, लेकिन माना जा रहा है कि आपका एडमिट कार्ड जारी होने से पहले यानी कि नवंबर तक आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी जाएंगी और वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, अपना सिलेबस कवर करिए। सबसे पहले आपको मैथ रीजनिंग पर अच्छे तरीके से फोकस करना है और जो मेन रोल रहने वाला है वो जीके जीएस का आपको पढ़ना है। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इन दोनों सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्टों के मैंने आपको टॉपिक्स अलग से बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो जल्दी से इन क्लासों को आप वॉच करिए, जो जो टॉपिक्स हैं इनको रीड करिए और नोट कर लीजिए कॉपी में और तैयारी में जुट जाइए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर सपोर्ट।